सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टुडे वी स्टडी अबाउट क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स। वी आर इन द वीडियो नंबर 20। आइडेंटिटीज बना लिए होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन कोस टेन का बस बता रहे हैं, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जानकारी के लिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स। आपको रेंज दिया हुआ है, कहां से कहां तक ऐसा लिखा होगा कि एक्स का वैल्यू जीरो से लेके पाई तक जहां तक बोलेगा आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे, जैसे हम लोग सिंपली जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक फंक्शन को वाई मान लीजिए, जस्ट लाइक क्लास टेन में पढ़े, इंटरवल जीरो से पाई के बीच में लेना आपको। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन का ग्राफ बनाना है, साइन का ग्राफ बनाना है हम लोग को। क्लियर है? वाई इक्वल टू साइन एक्स कर लीजिए, यहां पे लिखेगा एक्स और यहां पे लिखेगा वाई। दो वीडियो देंगे, पूरा समझ में आएगा। जीरो डिग्री, थर्टी, सिक्सटी, नाइन्टी, वन ट्वेंटी, थर्टी डिग्री का अंतर मान सकते, फिफ्टीन का नहीं, थर्टी का ही करना है। या पाई में लिखेंगे तो क्या होगा, जीरो पाई, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू, टू पाई बाई थ्री, है कि नहीं, फाइव पाई बाई सिक्स, और क्या होता है पाई। तो वाई, वाई मतलब साइन एक्स। एक्स का वैल्यू जीरो डिग्री पुट करिए, साइन का जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो डिग्री, साइन का जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो। क्लियर है? एक्स का वैल्यू 30 डिग्री पुट कीजिए तो वाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, 1/2, 1 को 2 से डिवाइड किया, 0. क्या आएगा, 50। ग्राफ पेपर में ही बनाना है। एक्स का वैल्यू 60 डिग्री पुट कीजिएगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, साइन का 60 डिग्री √3/2, √3 का वैल्यू 1.73/2, 0.87 लगभग, 0.87 फिक्स है, 90 डिग्री में 1 होता है। अब आगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 180 हटाइए, 60 के बराबर है, 60 का वैल्यू क्या होता है, 0.87, 150 डिग्री, 180 हटाइए, 30 के बराबर है, 30 का वैल्यू 0.5, 180 में क्या होता है, 0। इतना करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम एक रफ ग्राफ बनाते हैं, आप इसको अच्छा से ग्राफ पेपर में बनाइएगा। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, इधर लिखिएगा थीटा मतलब एक्स, और इधर लिखेंगे वाई। 30 का अंतर में लिखना पड़ेगा, 30 डिग्री या पाई बाई सिक्स, 60 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 150 है, और 180 है। एकदम ग्राफ पेपर बनाना है। अब यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। तो 0 से 1 का बीच का वैल्यू सब पॉजिटिव है, तो नीचे वाला नहीं लिख रहे हम, कोस में नेगेटिव भी आएगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। 0 डिग्री में क्या है, 0, 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 0.50, 0.50, 60 डिग्री में 0.87, 90 डिग्री में क्या है, 1, प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट, 90 डिग्री में 1, 120 में वापस गिरते जाइए, क्लियर है, 0.87, 150 में 0.50 और 180 में 0। आप सबको फ्री हैंड मिला दीजिए, बस हो गया, यानी सिंपली ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अगर 0 से 90 बोलता तो यही आंसर होता, ये अगर बोलता ना 0 से 90 तक का ग्राफ है, ये 0 से 180 का ग्राफ है, एकदम समझा दिए, बहुत ईजी है। 180, 360 बोलता तो माइनस में, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। तो अगर 0 से, ये किसका ग्राफ है कोई पूछेगा, ये किसका ग्राफ है पूछेगा, ये किसका ग्राफ है पूछेगा, और ये किसका ग्राफ है,
सब साइन एक्स का ग्राफ है, सब किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। इसका एक्स का जो वैल्यू है जीरो से पाई बाई टू तक है, इसका एक्स का वैल्यू जीरो से लेके पाई तक है, इसमें एक्स का वैल्यू जीरो से लेके थ्री पाई बाई टू 270 तक में है, और इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू जीरो से लेके टू पाई के बीच में है। अंडरस्टूड? जीरो से लेके टू पाई तक नेगेटिव होगा, मालूम पड़ेगा नेगेटिव की तरफ आएगा, अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे y का वैल्यू cos x, है ना, और इंटरवल दे दिया है कि x का वैल्यू जीरो से बड़ा है और पाई से छोटा, यही सबसे स्टैंडर्ड है। फिर वैसे ही करेंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगा है कि नहीं, वैल्यू चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जीरो में तो वन होता है cos, कोस का बना रहे हैं, हेडिंग रहता है ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या कर लिए, कॉस एक्स। 30 डिग्री क्या होता है, कोस वाई का वैल्यू क्या होगा, कोस का 30 रूट थ्री बाई टू 1.732 बाई टू ऑलमोस्ट 0.87, 60 डिग्री 1/2 0.5, तो 1 से 0। अब माइनस में आएगा आंसर 120 डिग्री 120 डिग्री 60 के बराबर, 60 के बराबर 0.5 होता है 0.87 और माइनस वन, तो इसमें माइनस आ गया। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है, इस बात को नोट कीजिए, और ये समझ में आ गया साइन का ग्राफ कैसे कैसे दिखाई देगा, 0 से 2 पाई, 0 से 3 पाई बाई 2, 0 से पाई और 0 से पाई बाई 2 का ग्राफ है, बस इतना ही चार गो हो सकता है, नोट कीजिए। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर क्या लिखना है हम लोग को, 0 डिग्री 30 60 90 120 150 और 180, इधर इसमें इधर भी नीचे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। 0 कितना अंतर ले ले, 0.2 ले ले, 0.4 ले ले, 0.6 0.81 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1, ये माइनस में होगा, क्यों लिखे माइनस, क्योंकि माइनस में भी पुट करना हम लोग को। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते, किसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ फिक्स है, 0 में 1 ये वाला होगा, 30 में 0.87, 1 और इसके बीच में खोज लीजिए, ग्राफ पेपर में अच्छे से खोज लीजिएगा, 60 में 0.50 है और 90 में 0 है, क्लियर है। 120 में आइएगा तो 0.50 मिलेगा ये आसपास, क्लियर है, फिर 0.87 मिलेगा 150 में और 180 में माइनस 1 मिलेगा, बस ग्राफ को फ्री हैंड से ऐसे मिला दीजिएगा, अच्छा से देखिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा। माइनस वन प्लस वन ये पाई बाई टू और ये हो जाएगा पाई, जीरो से पाई बाई का पाई ग्राफ है, जीरो से पाई। अंडरस्टूड? ग्राफ ड्रॉ करने आता है, बस 150 को 0.87 और 180 लिखेंगे। तो कोस का ग्राफ देखिए, अगर बोलेगा ये किसका ग्राफ है, बोलेंगे कोस का ग्राफ है, इंटरवल बताइए जीरो से पाई बाई टू, पूछेगा ये किसका ग्राफ है, कोस का ग्राफ है जीरो से पाई के बीच का, पूछेगा ये किसका ग्राफ है, कोस का, एक्स का वैल्यू जीरो से थ्री पाई बाई टू, और ये किसका ग्राफ है, कोस का जीरो से एक्स टू पाई, अपने से ड्रॉ कर लीजिएगा। साइन का ग्राफ देखिए ओरिजिन से शुरू होता है, ये साइन का ग्राफ है, एक जीरो से 360 जीरो से 180 जीरो से
270, 360, तो दोनों ग्राफ एकदम अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए 10x का ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ग्राफ ऑफ 10x, ग्राफ ऑफ 10x कैसे बनाएंगे। x का वैल्यू 0 से पाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जीरो, 30, 60, 90, 120, 150, 180। अब क्या क्वेश्चन, y इक्वल टू 10x, जीरो में जीरो, 30 में 1/√3, x का वैल्यू 30 डिग्री, तो y का वैल्यू 10 30 डिग्री 1.73 से डिवाइड 0.58 आएगा। 60 में क्या आता है, x का वैल्यू 60 में क्या आता है, √3 आता है, तो क्या आता है 1.73 इन्फिनिटी। 120 डिग्री माइनस में आ गया, 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री 1.73, 150 माइनस 0.58 और 0, बस वैल्यू लिख देना है, सॉल्व कर देना है। ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी भी आया इसमें, नॉट डिफाइन। चलिए 0, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, क्लियर है। अब ये आया 0.51, 1.52, 2.53 करते करते इन्फिनिटी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0 में 0, 0.58 थोड़ा ऊपर आएगा, 60 का वैल्यू 1.73 यहाँ पे आएगा, 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो स्प्लिट ग्राफ है, ऐसे लिखा था इन्फिनिटी में, एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, 90 तक पहुँचते पहुँचते एकदम सीधा इन्फिनिटी वैल्यू बोलते हैं। इसमें माइनस में भी वैल्यू है, तो क्या होगा, 0.5, 1.5, 2.5, क्लियर है। तो अब आइए 90 तक हो गया, 120 में माइनस में 1.73 है ये आसपास, 150 में 0.58 है ये आसपास, 180 ऐसे, और ये लग रहा है ना कि लग रहा है कि इन्फिनिटी से आया है, लग रहा है कि ये इन्फिनिटी से आया, थोड़ा इसको ऐसे कर देना चाहिए, ये लग रहा है कि माइनस में बढ़ रहा है, माइनस में देखिए बढ़ रहा है, तो पक्का उसका जो वैल्यू है, देखिए इन्फिनिटी ना, लग रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ये, तो ये ग्राफ होता है। मतलब अगर आपको बोलेगा ना 0 से π/2, तो आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देना है, 0 से π बोलेगा तो आपको ग्राफ ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर देना है, क्लियर है। 0 से 3π/2 बोलेगा, पहले नोट कर लीजिए इसको, बुक में अच्छा से दिया हुआ है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको भी, नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।